ओके सो नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट स्टेप, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 5। इसमें दो तीन पार्ट हैं, एक तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर लो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी कर्व की, ये हमने अपने एओडी वाले पार्ट में ऑलरेडी कर लिया है। द सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड वेदर द कर्व इज कनकेव और कन्वेक्स, मतलब शेप ऑफ कर्व क्या है। कनकेव पहली बात शेप कैसे होती है, अगर वो ऐसी शेप बनती है, ठीक है, बाहर की तरफ जो है बल्ज बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे वाली शेप, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ शेप इज नोन एज कनकेव। कन्वेक्स इसका अपोजिट होता है, इस टाइप का, ठीक है, कन्वेक्स इस टाइप का वाला शेप बनेगा, ठीक है ना। कन्वेक्स कनकेव ही होता है, कन्वेक्स ही। तो बेटर है आप सिर्फ एक शेप याद रखो, कनकेव। कनकेव ऐसी शेप होती है, ठीक है। इसको डिटरमिन कैसे करते हैं, वील हैव टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एंड इफ एफ डबल डैश एक्स कम्स आउट टू बी लेस देन जीरो, अगर आपका एफ डबल डैश एक्स कम्स आउट टू बी लेस देन जीरो, देन दिस मीन्स दिस इज कनकेव। एफ डबल डैश एक्स अगर आपका जो है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स द कर्व इज कन्वेक्स इन दैट रीजन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपना वाई इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व होता कैसा है, ऐसा। तो ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, कनकेव, और ये वाला पार्ट है कन्वेक्स, ठीक है। प्रूव करके देखते हैं कैसे। अगर लेता हूँ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर इसको एक बार डेरिवेट करा यू गेट 3x², एक बार और करता हूँ तो यू गेट 6x। सो द डबल डेरिवेटिव इज 6x। सो फॉर एक्स लेस देन जीरो डबल डेरिवेटिव वुड बी लेस देन जीरो। डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो क्या मतलब हुआ, कनकेव जो कि मेरी बन रही है कनकेव शेप, अगर मेरा एफ डबल डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो आएगा तो क्या बननी चाहिए, कन्वेक्स। फॉर एक्स पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, 6x विल बी पॉजिटिव, दैट मींस वाई डबल डैश पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज वाई द कन्वेक्स केस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द शेप ऑफ द कर्व, कि कनकेव होगा या फिर कन्वेक्स। सो दीज आर ऑल 5 स्टेप्स ऑफ कर्व स्केचिंग, कि आपको कर्व कैसे ड्रॉ करना है, पांचों में यूज करें और बनाना सीखें कैसे कैसे इसको यूज करना है। अब कर्व स्केचिंग का इतना ज्यादा तगड़ा एप्लीकेशन नहीं आता है, when we used to have subjective paper तब हम बहुत अच्छे अच्छे graphs बनाते थे, like x² - 1 upon x² + 2, ऐसे ऐसे graphs जो difficult graphs were there to plot, अब करते थे। अब जरा कम standard हो गया, you will have just be asked the you know the, to draw the graph of you can say polynomial functions, या फिर अगर denominator में भी कोई value आती है तो it will be very straightforward, जैसे मैंने अभी बनाया 1 upon x - 1, कुछ नहीं करना है, थोड़ी बहुत transformation use करके ही graph बन जाता है। कर्व स्केचिंग का इतना तगड़ा एप्लीकेशन अब नहीं आता है, बट स्टिल वी हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मुलर्स, कि अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो हाउ टू अटेम्प्ट इट, ठीक है।